गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सब लोग, अब हम सब लोग क्या करेंगे, गायत्री मंत्र। ठीक है, तो आप लोग सब स्टार्ट करेंगे मैम के साथ गायत्री मंत्र। तो सब लोग अपने ज्वाइन कर लेंगे हैंड्स एंड क्लोज कर लेंगे आईज, ओके, और मैम के साथ बोलेंगे गायत्री मंत्र। स्टार्ट। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शांति ओम शांति। सब लोग अपने हैंड्स को रब करेंगे और फेस पे लगाएंगे सब लोग, ठीक है। अपने सब लोग ओपन करेंगे आईज और हैंड्स को डाउन करेंगे, ठीक है। आप सब लोग अपनी चेयर पे बैठेंगे, पेंसिल रेजर्स शॉर्पनर्स सब लोग अपनी नोट्सबुक्स बुक्स सब लोग अपनी टेबल पर रख लेंगे और मैम आपको वर्क कराएगी, ओके। देखिए आप सब, तो बच्चों मैम आपको आज नंबर नंबर पढ़ा रही, ठीक है, 1 to 10। तो आप मैम की तरफ देखेंगे, मैम आपको बोर्ड पर दिखा रही है, ओके। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर, 1। यहाँ पर 1 बॉल है तो हमारा ये 1 है। कौन सा नंबर है हमारा, 1। 2 यहाँ पर आपको फ्रॉग दे रखी है, 2। 3 हमारा यहाँ पर पम्पकिन है, 3। 4 गिफ्ट्स हैं यहाँ पर, 5 समोसे दे रखे हैं, 6 हम आप यहाँ पर ब्रिंजल दे रखे हैं, एंड 7 नंबर पे हमारे क्या दे रखे हैं यहाँ पर, केक दे रखा है, ठीक है। 8 नंबर पे हमारा पियर दे रखा है, 9 नंबर पे हमारा पॉट दे रखा है, और 10 नंबर पे आंट दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने आज नंबर पढ़े हैं 10, 1 to 10, ठीक है। आप लोग भी रिवाइज करते रहेंगे जैसे मैम आपको करवा रही है, ओके बच्चों। अब मैम आपको करा रही है A to Z, ओके। देखिए सब लोग, A फॉर एरोप्लेन, B फॉर बर्ड, C फॉर कार, D फॉर डक, E फॉर एग, F फॉर फेस, G for gate, H for horse, I for ice cream, J for jug, K for kangaroo, L for lion, M for monkey, N for next, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for radish, S for shape, T for tiger, tab भी होता है, ठीक है, U for umbrella, V for van, W for watch, X for X-ray, Y for yak, Z for zebra, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है A to Z, ओके। अब हम लोग देखेंगे अब हम आगे क्या पढ़ें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फ्रूट्स नेम, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, मैम आपको फ्रूट्स नेम करवा दी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या देखा है, A for apple, ठीक है। यहाँ पर है हमारा A for apple, G for grapes, ठीक है। M for mango, क्या है ये, मैंगो, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा बी फॉर बनाना, क्या है ये, बी फॉर बनाना। ओ फॉर ऑरेंज, क्या है ये, ओ फॉर ऑरेंज। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे हम, ए फॉर एप्पल, जी फॉर ग्रेप्स, एम फॉर मैंगो, ओ फॉर ऑरेंज, बी फॉर बनाना, ठीक है। क्या है ये, बी फॉर बनाना। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम,
ये देखिए सब लोग, ए फोर क्या होता है? एप्पल. एल फॉर लीची. एम फॉर मैंगो. एल फॉर लेमन. एम फॉर मौसमी. डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन. क्या है ये? वाटरमेलन. ओ फॉर ऑरेंज. ठीक है, डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन. क्या है ये? वाटरमेलन. ओ फॉर ऑरेंज. एल फॉर लेमन. एम फॉर मौसमी. ए फॉर एप्पल. एल फॉर लीची. एम फॉर मैंगो. ठीक है, तो हमने पढ़े हैं फ्रूट्स. ठीक है, क्या पढ़े हैं? फ्रूट्स नेम. ठीक है, मैम ने आपको दोबारा रिवाइज करवा रही है. ए फॉर एप्पल. जी फॉर ग्रेप्स. एम फॉर मैंगो. बी फॉर बनाना. ओ फॉर ऑरेंज. ए फॉर एप्पल. एल फॉर लीची. एम फॉर मैंगो. एल फॉर लेमन. एम फॉर मौसमी. डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन. ओ फॉर ऑरेंज. ठीक है, ये आपको आज फ्रूट में पढ़ाया मैम ने, आप लोग भी रिवाइज करेंगे मैम के साथ. ठीक है, जैसे मैम ने आपको कराया. ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बॉडी पार्ट्स नेम. फ्रूट्स नेम हमने पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे बॉडी पार्ट्स नेम. ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स नेम मैम आपको बता रही है. सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है आईज. क्या हमारी आईज? ठीक है, ये मैम की आपकी आईज दिख रही है, ये आपकी आईज है. ओके, नेक्स्ट हमारा हेड. ये जो हमारा हेड होता है, ये है हमारा हेड. ओके, यहाँ पर हेड दे रखा है, ये हमारा हेड है. ओके यस. अब नेक्स्ट है हमारा नोज. क्या है ये? नोज. यहाँ मैम की नोज है, ये नोज है. ठीक है, क्या है ये? नोज. ओके, नेक्स्ट है टंग. ये जो जीभ होती है हमारी, ये होती है टंग. ओके यस. अब नेक्स्ट है लिप्स. क्या है ये? लिप्स. ओके यस. नेक्स्ट है टीथ. टीथ, ये जो हमारे दांत होते हैं, इसमें आप ब्रश करते हैं टीथ पे, वो हमारे टीथ होते हैं. ओके यस. ईयर, यहाँ पर वन ईयर दे रखे हैं आपके, टू ईयर होते हैं, वन एंड टू ईयर. ठीक है यस. अब लास्ट है हमारा, क्या है ये? हैंड. ये हमारे टू हैंड्स हैं, यहाँ पर टू दे रखे हैं, वन एंड टू. यहाँ पर टू हैंड्स है ना, यस, ये टू आपके हैंड्स है. ओके, मैं दोबारा रिपीट करा रही हूँ. आईज, हेड, नोज, टंग, लिप, टीथ, ईयर, हैंड्स. ठीक, तो आपने पढ़े हैं बच्चों ये बॉडी पार्ट्स नेम एंड फ्रूट्स नेम. ठीक है, आप लोग भी रिवाइज करेंगे घर पे, जैसे मैम करवाती है वैसे ही आप लोग करेंगे. ओके बच्चों यस. अब हम वर्क स्टार्ट करते हैं. कल हमने जो किया था, आज आप अपनी प्रैक्टिस बुक में करेंगे. किसमें करेंगे? प्रैक्टिस बुक में. तो मैम ने आपको कल क्या करवाया था? और से ओकली. क्या कराया था? और से ओकली करवाया था ना. यस, ध्यान देंगे सब लोग. ओ से ओकली कैसे करते हैं? तो जो मैम ने कल आपको हाफ कर करके बताया था, आपको पेज नंबर करना है 26. पेज नंबर 26 एंड 27 कंप्लीट करना है आपको ये. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. क्लास वर्क मैम आपको दे रही है, ये आपका होमवर्क है बच्चों. तो आप लोग इसे देखेंगे अच्छे से. 26 एंड 27 पेज नंबर आप करेंगे. ओ से ओकली. ओ से ओकली. ठीक है, ये आप लोग वर्क करेंगे. ठीक है, एंड इंग्लिश में करवाया था मैम ने आपको. क्या करवाया था इंग्लिश में? ध्यान दीजिए, इंग्लिश में मैम ने आपको जे करवाया था. क्या करवाया था? जे फॉर जोकर. ठीक है, तो पेज नंबर है आपका 38. पेज नंबर 38 एंड 39 आपको ये कंप्लीट करना है. जे फॉर जोकर. जे फॉर जग. ओके, पेज नंबर 38 एंड 39. ठीक है, 38 एंड 39 आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, ये आपका होमवर्क है बच्चों. 1 to 10 आपका हो गया था, तो आपका हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा आगे बढ़ना होगा. ओके, तो आपको इसमें देखना है जे फॉर जोकर करना है आपको होमवर्क. ठीक है बच्चों, अब मैम आपको करा रही है क्लास वर्क. तो क्लास वर्क में मैम ने आपको क्या दे रखा है, मैम आपको बताएगी अभी. ओके, तो आपको मैथ्स में जो करना है वो मैम आपको बताएगी. तो बच्चों आपको मैथ्स में यहाँ पर डेट डालनी है. सबसे पहले क्या है आज डेट? 8.
है। और 10 हमारा मतलब अक्टूबर हमारा मंथ चल रहा है और 2020 हमारा ईयर है। ओके, तो आपको ये डेट जरूर डालनी है और क्लास वर्क। ठीक है, अब हम कर रहे हैं आज का वर्क है काउंट द पिक्चर्स ऑफ नंबर। आपको ये पिक्चर्स काउंट करनी है और फिर यहाँ पर नंबर लिखना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या कितने पिक्चर्स हैं, ध्यान देंगे कितने फिंगर्स हैं हमारे, 1 2 3, यहाँ पर पिक्चर्स कितनी दे रखी है, 3। तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे कितने पार्ट है, 1 2, तो आपको यहाँ 2 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर दिए कितने दिए हैं आपको, 1 2 3 4, तो आपको 4 लिखना है। यहाँ पर एप्पल कितना है, 1, तो आपको 1 लिखना है। यहाँ पर कितने ये बटन्स हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको यहाँ पर 5 लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कितने कार्टून्स हैं, 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पर 4 लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको ये काउंट ऑफ द पिक्चर्स ऑफ नंबर, आपको काउंट करके पिक्चर्स को काउंट करके यहाँ पर अपना नंबर लिखना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका हिंदी में, आपको डेट डालनी है और क्लास वर्क डालना है। ठीक है, सब लोग अपनी पेंसिल इरेजर निकाल ली होगी तो अपना वर्क भी करेंगे साथ साथ। पहले हमें छोटे आ से जो हमने अनार कराया था आपको, पहले ही हमारा आ है, फिर आ ई ई आ आ इ ई, क्या है ये, आ आ इ ई। ठीक है, ध्यान देंगे सब लोग, आ आ इ ई, आ आ इ ई। ठीक है, ओ ओ, क्या है ये, ओ ओ। ठीक है, और ऋषि ऋषि, ए आई ओ आओ। ठीक है, ए आई, क्या है ये, ए आई ओ आओ। आओ आपको अभी कराया नहीं है तो ओ तक है। ठीक है, आ आ इ ई, आ आ इ ई, ऐसे पढ़ेंगे आप, ओ ओ। और ऋषे ऋषि, ए आई और ओ से ओ के लिए आपको करा दिए, इसलिए आपको ये वर्क करना है पेज में। ओके, आ आ इ ई ओ ओ और ऋषे ऋषि, ए आई। ठीक है, आपको वर्क करना है। ओके बच्चों, तो आप ये वर्क करना है आपका, आज का वर्क है आपका, तो आप लोग ये करते रहेंगे साथ साथ जैसे मैम ने आपको करवाया है। ठीक है, तो आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 3 डॉट्स दे रखे हैं मैंने, आपको डॉट्स भी लगा कर रखे हैं, मैं आपको पिक्चर्स सेंड कर दूंगी कितने डॉट्स लगाए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कर्व करेंगे, और 1 कर्व, ये 2 कर्व हो गए हमारे, 1 एंड 2, फिर स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, क्या बन गया हमारा, आसे अनार, और ऊपर स्लिपिंग लाइन देना, कोई भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सब लोग स्लिपिंग लाइन ऊपर जरूर लगाएंगे। ठीक है, ऐसे सब लोग अपना वर्क करेंगे पूरे पेज में। आपको मैथ्स में भी ऐसी वर्क दे रखा है, तो आप लोग ध्यान देंगे। काउंट ऑफ द पिक्चर्स ऑफ नंबर, आपको पिक्चर्स को काउंट करना है, आपके नंबर लिखने। ठीक है, जितनी भी पिक्चर्स दे रखी है आपको, उसके सामने पे आपको उसका नंबर लिखना है। मामा की हेल्प से आप लोग ये वर्क कर सकते हैं, अगर समझ नहीं आया तो आप मैम से भी पूछ सकते हैं। ओके, मैम आपका रिसीव कर लेगी फोन, आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मैम की तरफ, मैम को फोन या कॉल पे बता सकते हैं। ओके बच्चों, या फिर सैटरडे को आपको आपकी क्लास वो होती है, क्लास नहीं होती है, आपको स्कूल में बुलाया जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो सैटरडे में आपको डिस्कस कर सकते हैं स्कूल में आके कि बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, तो मैम आपको बताएगी कैसे कैसे करना है। ओके, और जिसकी सितंबर, क्योंकि अगस्त की आपकी माफ हो चुकी थी फीस, आपके अगस्त में क्लास चली थी लेकिन आपसे अगस्त की फीस नहीं ली गई है, तो जिसकी सितंबर में अगर फीस नहीं आई है वो प्लीज फीस दे दीजिएगा। ओके, सितंबर एंड अक्टूबर, अक्टूबर चल रहा है आपका, सितंबर का आपकी अभी पीछे पेंडिंग रह रखी है ना, इसलिए अगस्त की तो आपकी सर ने माफ करी थी फीस, क्योंकि अगस्त में नहीं ली गई थी आपसे, 1 महीना आपकी माफ करी गई थी, इसलिए अगस्त की नहीं दीजिएगा, सितंबर एंड अक्टूबर की तो दे दीजिएगा अभी। ओके प्लीज, आप अगर कोई दिक्कत होती है तो सर से आके बात कर लीजिएगा प्लीज। ओके, तो आप लोग फीस जमा करा दीजिएगा सितंबर अक्टूबर की। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय बच्चों, एंड बाय पेरेंट्स। ओके।